ये है टेक्नो K120। पाकिस्तानी मार्केट में अभी 53999 यानी कि 54,000 रुपीज़ में मिल रहा है। अब 54,000 रुपीज़ में ये फ़ोन कैसी ऑप्शन है सारे एस्पेक्ट से, डिस्प्ले, डिज़ाइन, बैटरी, डेली लाइफ यूसेज के लिए एंड स्पेशली गेमिंग के लिए, क्या ये फ़ोन एक अच्छा फ़ोन है या नहीं? और सबसे बड़ा इस फ़ोन का जो हाईलाइटिंग फीचर है, इस फ़ोन का कैमरा, स्पेशली नाइट टाइम में इसके कैमरा को हाईलाइट किया जा रहा है कि बड़े कमाल किस्म के पिक्चर्स देता है स्पेशली रात को, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद अहमद, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूली लॉन्च टेक्नो K120 जो कि मिड रेंज लेवल का फ़ोन है 54,000 रुपए, एंड में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या ये फ़ोन 54,000 के अंदर आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो हाइलाइट्स कुछ ऐसे इस फोन की कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको सबसे पहले 16 GB की रैम यानी कि 8 GB की हार्डवेयर में 8 GB की इसके अंदर एक्सटेंडेड रैम अवेलेबल है, अलॉन्ग विद 256 GB की मैसिव मेमोरी यानी इस फोन के अंदर इंटरनल मेमोरी भी आपको काफी ज्यादा मिल रही है। 6.6 inches का बेजल लेस बड़ा फुल HD रेजोल्यूशन में वो भी एमोलेड डिस्प्ले, 64 MP का AI रियर कैमरा, 32 MP का फ्रंट कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके साथ साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी अलॉन्ग विद 33 W की फास्ट चार्जिंग। तो ये तो थे ऑन पेपर स्पेक्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियलिटी तो अब वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले डिजाइन के ऊपर, लेदर के ऊपर आपको लाइंस वाला स्टाइलिश टेक्सचर मिल जाएगा, बैक पर कैमन की ब्रांडिंग हुई हुई है, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइज एंड वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हैंडी, इजी टू यूज डिवाइस है, इवन वन एंड यूज के लिए भी अच्छी है। बैक पर आपको इसके दो कैमरास मिल जाएंगे, कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत और यूनिक सा कैमरा मॉड्यूल है। मेन कैमरा इसका 64 MP का 62 MP का डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा है, उसके साथ EVGA सेंसर है, और साथ ही बैक पर आपको इसकी फ्लैशलाइट मिल जाएगी। फोन का डिजाइन ओवरऑल फ्लैट है जिसके साथ आ रहा है साइड एल्युमिनियम की है जो कि इसको काफी प्रीमियम और खूबसूरत लुक देती है, साथ वॉल्यूम कीज है। अपर और बॉटम में आपको दोनों साइड्स पर स्पीकर मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आपको सिम स्लॉट्स मिल जाएंगे जिनमें दो नैनो सिम स्लॉट्स हैं और एक एसडी कार्ड के एडिशनल स्लॉट भी अवेलेबल है। बॉटम में 3.5 mm ऑडियो जैक, फोन के प्राइमरी माइक, इसकी टाइप सी की पोर्ट और इसके साथ साथ इसके प्राइमरी स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे। फ्रंट साइड की अगर बात करें तो फ्रंट साइड भी डिस्प्ले काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट बेजल लेस डिस्प्ले है, ओवरऑल पूरी स्क्रीन पर आपको मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस एंजॉय करने को मिलता है। फ्रंट साइड पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमोलेड पैनल मिल रहा है विच इज अ गुड थिंग क्योंकि आपको इसके अंदर कलर्स एंड क्वालिटी शार्पनेस वगैरह काफी अच्छी मिलेगी। 2200x1080 का आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको इस फोन के अंदर मिल रहा है, डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे सच कोई प्रॉब्लम नहीं, फिंगरप्रिंट सेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑल्दो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जितने भी फोन्स के अंदर होते हैं 3 price range में उनकी स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन इंप्रेसिवली इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड आप देख सकते हैं विद इन लेस देन अ सेकंड आपके फोन को लॉक और अनलॉक कर देते हैं। इवन इसके फ्रंट कैमरा के थ्रू जो अनलॉकिंग का रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी कम है, मतलब जैसे ही आप अपने पावर की को किसी भी एंगल से प्रेस करेंगे तो फौरन से आपका फ्रंट कैमरा आपके फेस को डिटेक्ट करके आपके फोन को अनलॉक कर देगा। हार्डवेयर के अतवार से इस फोन के अंदर आपको G85 का चिपसेट मिल जाएगा, एंड्रॉइड 13 आपको इसके अंदर मिल जाएगा अलॉन्ग विद हाई OS, इसके अंदर अपना जो OS है वो मिल रहा है। यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस इस फोन का मुझे काफी अच्छा लगा है, काफी ज्यादा ऑप्शन है आपके पास कस्टमाइज करने की, इवन डिस्प्ले की कलर्स को चेंज कर सकते हैं आप। डिटेल में अगर इसके हार्डवेयर में G85 के थ्रू परफॉर्मेंस की स्पेशली गेमिंग की अगर बात करें तो गेमिंग आप इसके अंदर PUBG का सैंपल देख सकते हैं, PUBG इसके अंदर मैंने काफी देर तक रन की, HD ग्राफिक्स पर हाई फ्रेम रेट के साथ आप बहुत स्मूथली खेल सकते हैं, यू कैन सी द गेमिंग परफॉर्मेंस। उसके साथ साथ मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि लैगी एक्सपीरियंस है, कहीं भी लैग या फ्रेम ड्रॉप जैसे इश्यूज नहीं हुए, एंड इनफैक्ट वन थिंग के काफी देर गेम खेलने के बाद भी फोन ऐसा चीट नहीं होता। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की बैटरी, ऑल्दो काफी बड़ी बैटरी, आप इसके अंदर एक दिन तक तो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया और डेटा पर गेमिंग बहुत ज्यादा नहीं करते तो आप इसके अंदर 2 दिन तक भी बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। और एक और अच्छी बात यह है कि 33 W की फास्ट चार्जिंग भी आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगी। One thing that I liked about the cameras is कि इसके अंदर ना सिर्फ फोटोज में बल्कि वीडियोस के अंदर भी यू कैन रिकॉर्ड HDR वीडियोस, मतलब हाई डायनामिक रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से डे लाइट में डिटेल्स अच्छी हैं, इंडोर में भी डिटेल अच्छी हैं, व्हेन इट कम्स टू लो लाइट तो स्पेशली लो लाइट के अंदर डिटेल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर शार्पनेस जरूर लूज हो जाती है। एक चीज जो मुझे वीडियोज में लैग करती नजर आई दैट वॉज के फ्रंट कैमरा में भी अगर आपको ऑप्टिकल ना भी सही लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता तो काफी अच्छा होता, उससे आप फ्रंट कैमरा के थ्रू अच्छी व्लॉगिंग के लिए वीडियोस बना सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर मैंने HDR का ऑप्शन जो कि आपको वीडियो के अंदर डेडिकेटेड इस फ़ोन के अंदर मिल रहा है उसको मैंने ऑन कर दिया, जिसके थ्रू एज यू कैन सी के अगर मैं थोड़ा बहुत लाइट के अगेंस्ट भी खड़ा होऊंगा तो यहाँ पर शेडोज़ में से भी डिटेल्स और हाइलाइट्स को थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करेगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा हार्शली जज करने के बावजूद भी इस फोन के अंदर मुझे नहीं लगता है इस प्राइस पॉइंट के लिए आज से कोई ऐसा बड़ा कौन मुझे मिला। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को लगता है कि इस फोन के अंदर कोई ऐसा कौन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल टेल कि उस चीज में मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।